इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने जब भगवान से आग्रह किया रणांगण में जय होने के पश्चात, प्रभु विभीषण जी की इच्छा है एक दिन हम लोग यहाँ विश्राम कर रहे थे, तो परमात्मा ने लक्ष्मण जी से कहा, स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण रोचते लक्ष्मण, स्वर्णमयी लंका अपि मैन रोचते लक्ष्मण, क्यों जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जन्मभूमि। मेरे परमात्मा मित्रों को समझाते हुए बुझाते हुए बताते हुए ये अयोध्या जी के बारे में कहते हैं, व्यास जी मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवध पुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है अवध पुरी है, अवध पुरी है, अवध पुरी प्राणों से भी प्यारी है।
ही जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि परमात्मा को श्री अयोध्या जी कितनी प्रिय है। भगवान अपने तो परम धाम चले गए लेकिन अयोध्या जी को यहीं हमारे आपके कल्याण के लिए पधरा गए। पावनपुरी अयोध्या प्रातस्मणि पूज्यपाद गोस्वामी जी वंदना में कहते हैं बंदौ अवधपुरी कौन अति पावन। अयोध्या जी अति पावनपुरी है इसलिए अयोध्यापुरी मस्तक है। सरजू मैया सरजू सरी कली कलुष्ण सावन जा मत जनते बिनही प्रयासा मम समीप नर पावे। अयोध्या जी जाइए तो सर्वप्रथम चरण स्पर्श करिए पावनपुरी का और सरजू जी में स्नान करिए। मज्जन स्नान की विधि किसी दिन चर्चा करेंगे प्राग के महिमा में। ऐसी पावनपुरी में मेरे सरकार सपरिकर कृपा किए माताएं आनंद में कब हों वो छंग कब हों वो छंग कब हूँ पर पलना। पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कब हूँ वो छंग कब हूँ पर पलना माँ तो दुला दुलारई कही प्रिय लले। देखा हो बच्चों में बहुत ही प्रेम और ममता रखनी चाहिए। छोट लड़का है ना बिटिया बिटवा छोट छोट बच्चन में बहुत प्रेम रखना चाहिए। बच्चों को कभी कनेठी नहीं लगाना चाहिए न बच्चों को बहुत डपटना चाहिए। काहे जो ज्यादा कनेठी लगाता है तो बच्चे छोटी छोटी गिट्टी रखते हैं और मौका पाकर खोपड़ियों में टन से मारते हैं। और आपको कभी मौका पड़ गया गिलास पानी देवे का तो जाएंगे तो बाहर ही नहीं निकलेंगे जाकर ले गो। जो ममता रखता है बच्चे उनमें प्रेम रखते हैं। बच्चों में प्रेम रखे। देखिए जो आप बच्चे खाली टेप रिकॉर्ड की टेप हैं बच्चे खाली चिप हैं उनमें जो आप भरेंगे वही आपको वो सुनाएंगे। बच्चों में प्रेम रखिए बालक बालिका में प्रेम रखिए इनमें ममता रखिए। ममता से बच्चे पास आते हैं। बच्चों के लिए ये उपदेश है हमारे लिए और बड़ों के प्रति हमारी सहज श्रद्धा होनी चाहिए। श्रेष्ठ में श्रद्धा रखिए बुजुर्ग में सेवा रखिए। बहुत कमाने के चक्कर में ये दोनों खोना नहीं चाहिए। अब जवानी क्या करे तो जवानी आपस में प्रेम और ममता रखे। हाँ अब यहां लोग पूजन में यजमान लोग आते हैं तो सभी जजमानों से मेरी प्रार्थना है जो दैनिक जजमान हैं कि थाली को आरती करते समय बड़े प्रेम से धीरे धीरे घुमाइए। बहुरानी आप मिलकर आरती श्री रामा। कल तो एक भाई बड़े हिलाए दे रहे थे मैं भी मुस्कुरा रहा था क्या करें बहुरानी बिचारी चुपचाप खड़ी हो गई। ऐसी तेजी घर में रखिएगा तो घर बिगड़ जाएगा क्योंकि जब तक शरीरिया चलत बात तब तक तो तेजी रखिएगा बाद में फिर जब डांटेगी बहू रानी तो फिर चुप पे रहिएगा बहुत हो गया अब न होगा बहुत सुन ली। इसलिए मेरी प्रार्थना है सबसे तोरे शुरू हो गया क्या
मेरी प्रार्थना है, देखिए घर की बात घर में रहे, मेरी प्रार्थना आप देखते होंगे हम बहू जी के साथ जब आरती करते हैं तो वही आरती पकड़ती हैं, हम उनको पकड़े रहते हैं, हम तेजी नहीं रखते, ये सहज भाव है। आरती श्री रामायण जी की। ओ पति पत्नी आपस में ममता और स्नेह श्रद्धा रखें तो मनुष्य जीवन जीने का आनंद आता है। 36 रहने पर आनंद नहीं आएगा। घर से बाहर जाइए तो घरवा वाले जो हैं हो ऐसा जीवन होना चाहिए। कब ले अबा हो बहुत देर भोग। अच्छा जब आप घर से झगड़ा करके निकलेंगे तो क्यों फोन करी, खुदे रतिया में 11 बजे ले पहुंचे के परी, अब अल्लाह दरवाजा बजाओ तरह खुलबे न करी। सावधान, बच्चों में स्नेह रखिए, बुजुर्गों में श्रद्धा और सेवा रखिए, अपनी अवस्था में आपस में प्रेम रखिए। ले जाइए वो जाइए नहीं, समय गया। एक बार मैं वृंदावन दर्शन करने गया था, दिल्ली से हमारे कुछ सखा लोग ले गए थे, तब नई नई शादी हुई थी, पति पत्नी दोनों जहां गाड़ी रुके चाय पीने के लिए वहीं बतियाने लगे। एक बुजुर्ग को बड़ा खराब लगा, वो जाके एक बार तीसरी बार जब रुकी बस पूछ दिए कि आप लोग आपस में क्या बातें करते हो, बोले हम पति पत्नी हैं आपसे क्या लेना देना, आपकी नहीं पटती है क्या? जिसकी अपने यहां नहीं पटती है वो दूसरे को पटते देख भी नहीं सकता, उससे दूरी बना के रखिए। ये जीवन में सासपना अच्छी बात नहीं, इसको संभालिए। बचपन से स्नेह करिए, बचपन के ऊपर सेवा और समर्पण श्रद्धा रखिए, युवावस्था प्रेम के लिए है साहब। जितना प्रेम बढ़ेगा उतना गृहस्थी का आनंद बढ़ेगा। प्रेम करो, निर्द्वंद प्रेम करो, बिना न रहा जाए। एक दूसरे से ही जीवन है, शेष तो आएगा जाएगा चला रहेगा। इस जीवन को इस माधुर्य में रखिए, मनुष्य के जीवन का आनंद आ जाए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।